हेलो एवरीवन, बेसिक कंप्यूटर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंप्यूटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी जो है आपके जिस तरीके से इंसान के दिमाग होता है और वो चीजों को याद करता है, जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी की स्टोरी आप लोग याद कर लेते हो, गाने सुनते हो तो गाने के लिरिक्स आप लोग याद कर लेते हो, टॉपिक्स पढ़ते हो तो टॉपिक्स आप लोग याद कर लेते हो ताकि आप एग्जाम में उन टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन कर पाए। तो सेम तरीके का लॉजिक हमारे पास में कंप्यूटर के पास में भी होता है। वहां पे एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है जिसके अंदर जो भी काम आपका कंप्यूटर कर रहा हो, जिस डेटा पे जो काम कर रहा होता है, उस सारे को स्टोर करता है और उस स्टोरेज स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी बोलते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक बहुत बड़ा सा स्लॉट होता है जिसको हम पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का वो इजीली हो जाए। कोई पर्टिकुलर डेटा हमें चाहिए तो हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि यदि वहां पे यदि सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो हम लोग पता नहीं होगा कि कौन सा डेटा कहाँ रखा हुआ है। तो उस केस में आपको शुरू से लेकर के एंड तक के सारे डेटा उसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर तरीका यही होता है कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर एक पार्ट को हम लोग सेल बोलते हैं और हर एक सेल को हम लोग क्या दे देते हैं, एक एक यूनिक एड्रेस दे देते हैं जिसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं या एड्रेस भी बोल सकते हैं। और उस सेल के बेसिस पे आप लोग ये फाइंड कर पाता है आपका सीपीयू कि कौन सी सेल का डेटा मुझे रीड करना है, कौन से सेल के अंदर मुझे डेटा डालना है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके कंप्यूटर के मेमोरी के। वन मोर थिंग कि आपके कंप्यूटर की जो एड्रेसिंग है, उसकी जो एड्रेसिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, एन माइनस वन तक चलती है। वहां पे एन क्या होगा, आपके जितने नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ सेल्स वहां पे होगी वो आपका एन होगा। जैसे सपोज टू बी मैंने बोला कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर 10 स्लॉट है या फिर 5 स्लॉट्स है सपोज टू बी, तो उस केस में आपके पास में इस तरीके से आपके पास में 5 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे और जो इनकी स्लॉट की जो इंडेक्सिंग है वो कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी और जो लास्ट इंडेक्सिंग होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी, जो कि एन माइनस वन हुआ, क्योंकि वहां पे जो एन है वो आपके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि क्या है, 5 है। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से 3 एंड ये हो गया 4। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। तो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो ये जब आप हिंदी के जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ऑक्सिलरी का जो यहाँ पे मतलब है वो सहायक है, मतलब हेल्पिंग मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को हेल्प करने के लिए या लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, तो हम लोग उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली अपनी प्राइमरी मेमोरी पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है ये प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी वर्ड से हमें क्या समझ में आ गया, जो चीज स्टार्टिंग की है या जिसका होना कंपल्सरी है। जैसे किसी चीज के आपके किसी चीज के बारे में यदि आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं हो तो उसकी डिटेल कैसे स्टडी करोगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, जो आपकी असेंशियल चीजें हैं जिस पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, जिस डेटा पे कर रहे हो, उस डेटा को स्टोर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो आपके लैपटॉप पे स्टोर है, जब तक आप उस वीडियो को प्ले नहीं करते हो तब तक आप उसको नहीं देख पाते हो। ठीक है, आपने डबल क्लिक किया या फिर आपने किसी वीएलसी मीडिया प्लेयर में आपने खोला और फिर आप मूवी देख पा रहे हो। ठीक है, तो जब आप मूवी देख रहे हो तो वो डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी डेटा आप जिस डेटा पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हो, भले वो मूवी हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, तो प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हो, तो सारे केस में आपका जो करंट डेटा है जिसपे आपका सीपीयू आपका प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है वो सारा डेटा आपके मेन मेमोरी में रखा हुआ होता है। ठीक है, इस मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है क्योंकि हमें ओनली उतना ही डेटा रखना होता है जिस डेटा पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है उसको हम प्राइमरी मेमोरी में नहीं रखते। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सी मेमोरी से डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हैं, तो जो आपका प्रोसेसर सीपीयू जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से वैल्यूज को, उसकी सेल के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, डायरेक्टली राइट भी कर पाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास में की लगा हुआ कहाँ पे होता है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपके डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, ठीक है। अब मदरबोर्ड में किस तरीके से लगी हुई, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इस चीज को देख लिया, ठीक है। अब है नेक्स्ट फर्दर, आपकी जो ये प्राइमरी मेमोरी है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, जिसको आपके जो उसकी यूजेज है उसके बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहली आपके पास में रैम, दूसरी होती है आपके पास में रोम, ठीक है। अब ये रैम मेमोरी क्या है, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक तरीके से वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो डेटा आप टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्पररी इन द सेंस, जैसे कि मान लो मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रही हूँ और उस डॉक्यूमेंट को मैंने वर्क करते जा रही हूँ, लाइन्स लिखते जा रही हूँ, बट एकदम से पावर ऑफ हो गया या लाइट चली गई, तो उस केस में क्या होगा। और जैसे ही आप पावर ऑन आती है, वापस से आप स्विच ऑन करते हो, तो उस केस में आपका वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखता है और आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाते हो। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो डेटा जो जहां पे स्टोर हो रहा था, जो लाइंस आपके स्टोर हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी उस टाइम पे, वो ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी में थी। वो इसलिए थी क्योंकि करंटली उस पे सीपीयू वर्क कर रहा था, ठीक है। तो उस केस में आप उस तरीके की मेमोरी के डेटा को रिकवर नहीं कर पाते हो। तो हमारी जो रैम है वो एक तरीके की वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब वो टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करती है, परमानेंट बेसिस पे डेटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। और ये चीज हम लोग देख चुके हैं कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरीज है उसको आपको रीडिंग कौन कर सकता है, हमारा सीपीयू उसकी रीडिंग कर सकता है और राइटिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो भी आपके दो तरीके की होती है, जिसमें है एक होती है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है हमारे पास में डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी हुई होती है। तो गाइज अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किटरी जो होती है उस तरीके के बने हुए होते हैं, उसमें गेट्स लगे हुए होते हैं और उस गेट्स जो होते हैं आपके वो वोल्टेज के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जब डेटा वोल्टेज के फॉर्मेट में स्टोर होता है तो वो आपके लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने डेटा स्टोर किया तो हैंड टू हैंड लॉस हो गया या हैंड टू हैंड डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता। वोल्टेज के फॉर्मेट में मतलब जो गेट्स हैं, जो डायोड्स आपके लगे हुए हैं, उनके बीच में डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है आपका इस तरीके की जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू द डायनामिक रैम, और ये आपके जो थोड़ी सी फास्ट भी होती है, इसकी वजह से हम इसका यूज कैश मेमोरी को बनाने के लिए करते हैं। अब क्या होती है कैश मेमोरी, इसी वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में फ्लिप फ्लॉप की जगह पे क्या लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास में चार्ज के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। जैसे आपके बड़ी बैटरीज जो होती है ना, जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गई, उसमें भी आपके चार्ज के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। जैसे कि आपके नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे आप उसका यूज करते हो, करंटली जो अवेलेबल होती है बाय डिफॉल्ट वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपके चार्ज को लूज करती जाती है, चार्ज डिलीट होता जाता है। तो उससे होता यह है कि आपको बार बार उसको पावर सप्लाई करनी पड़ती है, बार बार उसके सर्किटरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। ज्यादा ज्यादा पावर सप्लाई करोगे, ज्यादा ज्यादा रिफ्रेश करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी पावर कंजम्पशन भी आपके डायनामिक रैम में ज्यादा होता है और रिफ्रेशिंग की वजह से वो थोड़ी सी स्लो भी होती है, ठीक है। बट ये इसके बेसिक चीज ये है कि हम इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं फिर, ऐसा है तो इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास में जो डायनेमिक रैम है वो थोड़ी सी हमारे पास में सस्ती होती है आपके स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में, और उसकी जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, वो भी आपके स्टैटिक रैम से बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। जो सीपीयू है, हमने देखा कि जब प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर पाता है तो वो स्टैटिक रैम से भी डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है और डायनामिक रैम से भी एक्सेस कर पाता है। जब बेसिकली आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि आप कौन आपका सीपीयू डायरेक्टली कौन सी मेमोरी से एक्सेस कर पाता है, तो आप लोग प्राइमरी मेमोरी डालते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपकी स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रोम, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास में रोम। तो जो रीड ओनली जो मेमोरी है हमारे पास में, रीड ओनली मेमोरी के वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें आपका जो सीपीयू है वो ओनली रीडिंग के पर्पज से यूज कर सकता है, उसमें राइटिंग नहीं की जा सकती, मतलब उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ओनली हम ओनली रीड कर सकते जो डेटा ऑलरेडी उसमें
रखा हुआ है भाई, यदि रीड कर सकते तो कभी तो राइटिंग की होगी, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली भाई उसमें यदि डेटा ही नहीं होगी तो क्या रीड करोगे, ठीक है। तो डेटा जो है वो कब डालता है उसमें, जब वो आपकी जो मेमोरी की जब चिप बनती है उसी टाइम पे इसके डेटा को डाल दिया जाता है, ठीक है। अब कोई ऐसा डेटा है जिसका कि आप एक बार डालने के बाद में कभी मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, तो वो डेटा जो होता है वो जनरली आपके बूट प्रोसेस का डेटा होता है, जिसको हम लोग कई बार बायोस भी बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी बोलते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूट प्रोसेस के लिए कौन से प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है, तो उस केस में आपका आंसर होता है बायोस, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो डेटा होता है वो क्या काम करता है बूटिंग प्रोसेस में, बूटिंग या रीबूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है, जब आपका सिस्टम शटडाउन होता है और आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो उस टाइम में आपकी बूट प्रोसेस फॉल होती है, बूटिंग बोलते हैं उस स्टार्ट करने की प्रोसेस को। और उसमें होता यह है कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स आपने अटैच किए हुए हैं आपके सिस्टम से, उन सबको आपको एक्टिव स्टेट में लाना होता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। रिबूट का बोलते हैं जब आप किसी भी अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो, आपका सिस्टम वर्किंग स्टेट में है और उसके बाद में आप लोग शटडाउन की जगह पे क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट में क्या होता है, पहले वो शटडाउन होता है फिर ऑटोमेटिकली वापस स्टार्ट होता है, तो वो होती है आपकी रीबूटिंग। तो दोनों ही केसेस में हमें बूट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो किसके बेसिस पे की जाती है, बायोस के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में रीड ओनली मेमोरी अवेलेबल होती है। रीड ओनली मेमोरी भी हमारे पास में तीन तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास में प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, तीसरी होती है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको ईईपी रोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पी रोम होती है वो आपके बेसिक रोम होती है जो कि स्टार्टिंग में अवेलेबल हुई थी, और ये मेमोरी ऐसी थी जिसके अंदर एक बार जो डेटा डाल दिया उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको आपको क्या बोल सकते थे, वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी बोला जाता था, ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम निकला तो हमारे पास में ऐसी रिक्वायरमेंट्स हुई, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि वो डेटा खराब हो जाए तो हमें पूरी चिप चेंज करवानी पड़ेगी, तो उस केस में ऐसा भी तो होना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि वो डेटा रिमूव किया जा सके या उसको दोबारा लिखा जा सके, ठीक है। तो उस केस में जो सेकेंड हमारे पास में मेमोरी आई वो थी ईपी रोम, और ईपी रोम जो है उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करते हैं, और अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम लोग उस पूरे के पूरे डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं और वापिस से राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इस वाले रोम को हम लोग अल्ट्रा वायलेट इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ईईपी रोम, और ईईपी रोम जो होती है वो आपके ईपी रोम से थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जो भी ईपी रोम के अंदर जो चैलेंजेस थे वो सारे चैलेंजेस हमारे पास ईईपी रोम के अंदर रिमूव हो चुके हैं, ये इजीली आपके डेटा को इरेज कर पाती है, बट ये जो इरेजिंग जो पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज नहीं करती है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम बोला जाता है, ठीक है। और जब ये रोम अवेलेबल हो गई थी तब आपके पास में बायोस को रखने के लिए इस रोम का यूज किया जाने लगा था, ठीक है। कौन से मेजरली चेंजेस है जिसकी वजह से अपन ईपी रोम की जगह ईईपी रोम आई, क्योंकि जब ईपी रोम आई थी तो पहली बात तो अल्ट्रा वायलेट रेस की जरूरत होती थी, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क होती थी मतलब जो चिप होती थी उसके खराब होने के चांसेस भी होते थे। दूसरा ये कि इसमें जो डेटा होता था, जितना भी डेटा अवेलेबल है उस पूरे डेटा को डिलीट करना पड़ता था और पूरे के पूरे डेटा को दोबारा से रीराइट करना पड़ता था, ठीक है। बट जब ईईपी रोम जब अवेलेबल हुई तो उस केस में पूरा डेटा जरूरी नहीं है कि आप लोग डिलीट करो, यदि आपको पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर सेल के डेटा को आपको डिलीट करके दोबारा लिखना है तो आप वैसा कर पाते थे। तो आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरे डेटा को आप यहाँ पे डिलीट करो, पर्टिकुलर सेल यदि आपकी खराब हुई है, जैसे ये वाली आपकी सेल खराब हुई है, तो आप ओनली इसके डेटा को रिमूव करते हो और इसी के डेटा को दोबारा से राइट करते हो, तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ अदर मेमोरीज जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ये कहीं ना कहीं जो आपकी जो मेमोरीज हमने पढ़ी उन्हीं के टाइप्स हैं। जैसे कि पहले हमारे पास में फ्लैश मेमोरी, इस फ्लैश मेमोरी को हम लोग कई बार फ्लैश रोम भी बोलते हैं, ये आपका जो ईईपी रोम है, जो ईईपी रोम है उसका एक्सटेंशन वर्जन है। इस केस में क्या होता है कि आपको आपके जो रोम की जो प्लेट है या फिर जो चिप है
उसको आपके सिस्टम से, कंप्यूटर से आपको रिमूव नहीं करना पड़ता। बिना रिमूव किए भी आप इस रोम को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, रीराइटिंग कर पाते हो। ठीक है, अब इस तरीके के रोम्स का यूज कब किया जाने लगा, जब आपके पास में छोटी डिवाइसेस अवेलेबल होने लगी, जैसे कि आपके पेन ड्राइव अवेलेबल है, आपके डिजिटल कैमरा जो आप लोग यूज करते हैं, तो उस तरीके के डिवाइसेस के लिए हम लोग फ्लैश रोम का यूज करने लगे। ठीक है, जैसे आपके पेन ड्राइव है, उसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यदि आपको डेटा ट्रांसफर करना हो तो आप लोग एक सिस्टम से उसके अंदर डेटा के अंदर कॉपी, मतलब आपके पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करते डेटा और दूसरी पेन सिस्टम के अंदर ले जाके उसको कट करके या फिर कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफरिंग के लिए अपन फ्लैश रोम का यूज करते हैं। अब उसको ऐसा तो होता नहीं है कि हमें कहीं जाना पड़ता है और हमारी जो पेन ड्राइव है उसको रिमूव करवाना पड़ता है, डेटा को रिमूव करवाना पड़ता होता है। ठीक है, हम खुद उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, रीराइटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे पास में अवेलेबल हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास में कैश मेमोरी, जिसका डिस्कशन भी हम लोगों ने पहले किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है भाई? ये स्टैटिक रैम जो होती है उसके चिप से मिलकर बनी हुई होती है। स्टैटिक रैम की क्या खासियत थी कि आपके डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में वो क्या होती थी, छोटी होती थी। दूसरी चीज, डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में क्या होती है, फास्ट होती है। इसी वजह से हमारी जो मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, वो कहाँ लगी हुई होती है, आपके सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई होती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी, मतलब डायनेमिक रैम की जो डेटा है उसको अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट यदि हमारे पास में डायनेमिक रैम में बहुत ज्यादा डेटा है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए कि आप वो डेटा जो बार बार निकालते हो, वो काम जो आप बार बार करते हो, उसको उठा करके आप लोग कहाँ डाल दो, कैशे में डाल दो। जिससे क्या हो जाएगा कि कैशे आपका छोटा है, इसको बार बार रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता और इसमें आपके जो इंडेक्सिंग है वो बहुत फास्ट होती है। तो आप लोग सीपीयू से डायरेक्टली जब डेटा ढूंढते हो तो सबसे पहले कैशे में ढूंढो। यदि कैशे में डेटा नहीं मिलता है तो अपन उसको बोलते हैं कैश मिस हो जाता है, तो कैश मिस बोलते हैं। देन आप लोग क्या करते हो, वापस से फिर मेन मेमोरी में ढूंढते हो। ठीक है, और जब मेन मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो वो कहाँ लोड कर देता है, कैशे में लोड करता है, और कैशे से हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू में डेटा ले आते हैं। तो ये आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है जब आपकी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैशे मेमोरी लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आप कैशे लगाओ, दैट इज योर ओन चॉइस। मतलब ये आपके सिस्टम्स के अंदर ऐसा नहीं है, कंपल्सरी पार्ट है। यदि आपको डायरेक्टली ऑपरेशंस आपको मेन मेमोरी से करवाने हैं तो आप वैसे भी करवा सकते हो, बट जैसे जैसे आपके जो इवोल्यूशन हो गया कंप्यूटर का, तो प्रोसेसिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत फास्ट होनी चाहिए थी, तो इसके लिए हम लोगों ने कैशे का यूज करने लगे। और कैशे के भी बहुत सारे लेवल्स अवेलेबल है जिनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैशेस कहाँ लगे होते हैं, हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगे होते हैं। जैसे सपोज टू बी और भी कैशेज हैं, तो पहला सबसे बड़ा वाला कैश है मेन मेमोरी के जस्ट बगल में, फिर उससे छोटा कैशे लगा हुआ होगा जो इस कैशे में से कुछ डेटा निकाल के लगा दिया, और उससे भी छोटा डेटा हमने बीच में लगाते, तो उससे क्या होगा, और भी ज्यादा फास्ट आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के चलते भी कैशे मेमोरी का इवोल्यूशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो बेसिकली आपकी कोई फिजिकल मेमोरी नहीं होती है, वो चिप अवेलेबल नहीं होती वर्चुअल मेमोरी की। ये एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, वो आपको ये अज्यूम करवाती है, ये आपको प्रिडिक्ट करवाती है कि आप कितने भी बड़े डेटा को, कितने भी बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपकी मेन मेमोरी की साइज क्या है। इसका मतलब क्या मतलब हुआ, सपोज टू बी आपकी जो मेन मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 1000 वर्ड की कैपेसिटी है। ठीक है, और आपने जो प्रोग्राम बनाया और जिस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसको कितनी मेमोरी चाहिए, 2000 वर्ड की मेमोरी चाहिए। ठीक है, 2000 वर्ड की मेमोरी आपको यहाँ पर चाहिए। तो उस केस में आपकी जो वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये अवेलेबिलिटी, ये कंसेप्चुअली ये बताता है कि आप इस तरीके से जाकर के आपके 2000 वर्ड वाले प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर पाते हो। अब बेसिकली वर्क कैसे करता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में बफर्स। जो बफर मेमोरी होती है वो आपकी जो भी प्रोसेस आप करंटली एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो उसका इंटरमीडिएट जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब की वीडियो में आपके पास में रेड लाइन शो होती है जो आपको क्या बताती है कि आपने इतना वीडियो देख लिया है। ठीक है,
और उसके बगल में आपके पास में यहाँ पर आपके थोड़ी सी ब्लर लाइन शो होती है, वो आपको ये बताती है कि कितना वीडियो आपका लोड हो चुका है। और इस पॉइंट पे जाकर के आप लोगों ने सपोज टू बी आपने यहाँ पे जाकर के आपके नेट जो नेटवर्क था उसको बंद कर दिया है, जो भी आप वाई फाई से कनेक्टेड थे तो उसको बंद कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि ये जो डेटा है या आपके जो जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो कहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक चल चुका था तो ये यहाँ तक जरूर चलेगा। उसके बाद में आपको शो करेगा कि आपके जो जो कनेक्शन है वो इंटरप्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा आपके बफर मेमोरी में स्टोर था, और वो बफर कहाँ था, आपकी मेन मेमोरी के अंदर कोई कुछ स्लॉट्स थे जिसको बफर के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, रिजर्व किया है, ताकि इंटरमीडिएट प्रोसेस के डेटा को उसमें रखा जा सके, ठीक है। सपोज टू बी मेन मेमोरी हो गई, इसके कुछ स्लॉट्स हो गए, सेल्स हो गए, जिसको अपन ने बफर के लिए स्टोर किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका बफर वर्क करता है। तो ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मेमोरी। जब आपके इससे रिलेवेंट जब एमसीक्यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली होगा, इजी होगा उन चीजों को समझना और क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो गाइस वीडियोस को देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो सेकेंडरी मेमोरी का आएगा तो आप उसको जरूर देखें, देन उसके बाद में हम दोनों मेमोरी से रिलेटेड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और जितना पॉसिबल हो आपसे जो भी लोग कनेक्टेड हो उनको शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों को सच में रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक आपका जो वीडियो है पहुंच पाए।